हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है कोशिका, जिसे हम लोग कहते हैं द सेल। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स डायग्राम पूरा मिल जाएगा, आप लोग इजिली वहां पर स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ये हमारा लायन बैच है, बहुत सारे टॉपिक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा बीएससी जूलॉजी का, या फिर किसी भी टॉपिक को आप नॉलेज अड्डा के नाम से लायन बैच के नाम से सर्च करते हो, बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तो भी आप लोगों को यूट्यूब पर इजिली मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जिसका नाम है द सेल। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, आगे चल के मैं आप लोगों को और भी क्लियर डायग्राम दिखाऊंगी, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन समझते हैं, और बस छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मैं कोई भी टॉपिक बताते जा रही हूँ उसको आप लोग रफली नोट करते जाइए, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आते जाएगा। देखिए कोशिका क्या होता है, स्मॉल यूनिट। देखिए हम लोग का जो शरीर है ना, वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना है, छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बना है, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका या फिर सेल कहा जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सेल होती है वो एक स्मॉल यूनिट होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, जैसे हम कोई भी घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए हमें छोटे छोटे ईंटों की आवश्यकता होती है। ईंटों को जोड़ जोड़ करके, जो ब्रिक्स होता है ना, ईंटों को जोड़ जोड़ करके हम बड़ा सा घर बनाते हैं। वैसा ही हमारा शरीर होता है। हम अपने शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे हम किसी भी एनिमल्स की बात करें, सभी का जो शरीर होता है वो सेल से ही मिलकर के बना होता है, छोटे छोटे यूनिट से ही मिलकर के बना होता है। आगे जब मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगी तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। आगे सेकंड पॉइंट देखें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर देखें स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है कि जो हमारे शरीर की संरचना है वो कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है, है ना। अब जो हमारा शरीर है वो एक प्रकार से कोशिका से ही मिलकर के बना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, मतलब संरचनात्मक इकाई होता है। सेकंड नंबर में देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फंक्शनल। जो कोशिका होती है, जो सेल होती है, वो बहुत से कार्य करती है। आगे जब हम लोग कोशिका के कार्यों का अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आप लोगों को पता चलेगा कि जो सेल होता है वो कितने सारे फंक्शनल एक्टिविटीज में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो इसलिए इसे फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक समझ में आ गया, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी। आप वीडियो के लास्ट तक नोट्स में मैं आप लोगों को इसका हिंदी में जो डेफिनेशन लिखी हूँ वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी, है ना। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो कोशिका होती है वो किसी भी लिविंग बींग की या फिर जो जीवित ऑर्गेनिज्म है उनका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है, कोशिका विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा, साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, कोशिका के बारे में स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग समझते हैं, वैसे और भी क्लियर डायग्राम में आगे आप लोगों को दे दूंगी, बस एक रफली समझिए। देखिए जो हमारा सेल होता है ना, उसके अंदर लिक्विड भरा होता है। लिक्विड कहने का मतलब, जिसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में ऐसे बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, बहुत सारी चीज होती है जो क्या होते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो एक एक का मैं आप लोगों को डिटेल में आगे बताते जाऊंगी, ठीक। चलिए अब हम लोग डिस्कवरी देख लेते हैं कि आखिर जो कोशिका है उसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर आप लोग नोट करते जाइए, कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ जाता है, कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, सन 1665। उस समय में बहुत ही बड़े ये मैथमेटिक्स थे, मतलब मैथमेटिशियन थे, मतलब गणितज्ञ थे ये, और साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहली बार कोशिका को देखा अपने माइक्रोस्कोप में। उनके पास एक सूक्ष्मदर्शी था, माइक्रोस्कोप था, उन्होंने सबसे पहले उन कोशिकाओं का अध्ययन किया और उसे सेल नाम दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कोशिका का नाम है, सेल है, वो रॉबर्ट हुक ने ही सन 1665 में दिया था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को देखा तो उन्होंने देखा कि जो हमारे शरीर की जो कोशिका है वो अलग अलग कंपार्टमेंट टाइप से बटा हुआ, जैसे कि होता है ना हमारे घर में अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, अलग अलग रूम होता है, सेम वैसा ही कोशिका भी था। तो उन्होंने एक मतलब एक ये मान के चलिए एक वाक्य भी दिया, ए स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो कोशिका होता है वो एक छोटे छोटे रूम के समान होता है, एक कंपार्टमेंट के समान होता है ना। आगे देखिए देखिए टाइम टू टाइम अलग अलग साइंटिस्ट लोग सेल के बारे में डिस्कवरी करते गए, उसके बारे में हर एक चीज़ को पता लगाते गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी काय हो गया, धीरे धीरे उनके बारे में टाइम टू टाइम खोज चलता रहा। सन 1674 की बात है, एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने सेल के ऊपर और भी ज़्यादा स्टडी किया।
हालांकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने तो नॉर्मली कॉर्क का अध्ययन करके सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन ये जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जीव जंतु का, सबसे पहले तो उन्होंने जो गाल के साइड में हमारे चिक्स में जो स्मॉल सा जो मसल होता है ना उसको उन्होंने अध्ययन किया था। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लिविंग बींग्स है अलग अलग एनिमल उन्होंने सभी का सेल का जो है वो स्टडी किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने यह पता लगाया था कि कोशिका के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक। तो केंद्रक का पता जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में लगाया था। ऐसा नहीं है कि इसके बाद खोज होना बंद हो गया, आगे और भी साइंटिस्ट आए, सेल के बारे में और भी डिस्कवरी होते गया। तभी तो हम लोगों को सेल के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी का है, बहुत सारी चीजें हैं उसके बारे में हमको पता चलते गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये जो पढ़ रहे थे ना वो एक प्रकार का क्या था, इंट्रोडक्शन था। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि जो हमारे शरीर की जो हमारी जो शरीर की संरचना है वो कोशिकाओं से ही मिल करके बना हुआ है ना। चलिए ये तो हो गया, अब हम लोग सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, इसका लेयरिंग कैसा है, इसका आउटर कवरिंग कैसा है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में देख। सो गाइस यहाँ पर आप एनिमल सेल देख रहे हो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा डायग्राम है, और अगर आपके एग्जाम में आता है सेल तो आप ये डायग्राम ईजिली बना सकते हो। मतलब इसमें सभी चीज़ों को दिखाया गया है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है। देखिए ये जो हमारा सेल होता है ना एक मेम्ब्रेन से जो है वो कवर रहता है। थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ, यहाँ पर आप देखिए, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से दोहरी लेयर होती है, डबल लेयर होता है, एक मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो हमारा सेल है जिसके अंदर, ये सेल के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, और मतलब एक प्रकार से वाटर लिक्विड भरा हुआ है, और इस लिक्विड में आप जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट देख रहे हो वो सारे जो है वो तैर रहे हैं, और इस पूरा सेल को जो है वो एक मेम्ब्रेन जो है वो कवर करके रखा हुआ है जिसे हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसका काम क्या होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो कोशिका को या फिर सेल को आकार प्रदान करते हैं, शेप देते हैं, है ना। जैसे कि हमारे बॉडी का शेप स्किन के द्वारा निर्धारित होता है ना, हमारे शरीर में देखो स्किन है, वैसा ही जो सेल होता है ना उनमें सेल मेम्ब्रेन होता है उनको विशेष आकृति जो है वो प्रदान करता है। ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली के समान व्यवहार करता है, मतलब सेमी परमिएबल होता है। सेमी परमिएबल कहने का मतलब ये है कि ये सभी प्रकार के मॉलिक्यूल को, फिर सभी प्रकार की चीजों को सेल के अंदर घुसने नहीं देते। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, कोई भी विशेष चीज अगर सेल के अंदर एंटर करना चाहे, कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, तो वो हमारे सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, उसको ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, पूरा कवर करके रखा हुआ है। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होता फिर तो सेल में कुछ भी चीज जो है वो एंटर कर जाता है ना। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है एक प्रकार से इन्हें प्रोटेक्ट करके रखता है, इसे कोई भी बाहरी चीजों को है ना अंदर जो है वो एंटर करने नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ सेल के अंदर कोई भी चीज़ एंटर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। जो जरूरी कंपोनेंट है, जो सेल के लिए आवश्यक है, वही चीज़ जो है वो एंटर कर सकते हैं। ये विशेष आकृति वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल को ही वो सेल के अंदर जो है वो एंटर करने देते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हमारी सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी कोशिका की रक्षा करता है, हमें जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी बाहरी चीज़ हमारे सेल के अंदर जो है वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो आई थिंक आप लोगों को ये दो जो फंक्शन है, सबसे पहला आकार प्रदान करने का और दूसरा जो है वो इन्हें प्रोटेक्ट करके रखने का, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। एक चीज और है कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना उसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, काफी छोटे छोटे दिखते नहीं है वो, काफी छोटे छोटे होल पाए जाते हैं, काफी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, है ना। तो ये होता है गाइस सेल मेम्ब्रेन, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं साइटोप्लाज्म, जिसे हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। यही समय आप लोगों को नेक्स्ट बता देती हूँ, जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, इसे हिंदी में कोशिका द्रव्य भी कहा जाता है ना। देखिए ये जो सेल है वो उसके अंदर जो है वो एक पानी भरा रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा वॉटरी है,
लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ पर आप जो अलग अलग कंपोनेंट देख रहे हैं वो पानी में जो है वो तैर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए एक तालाब है, मान लीजिए गुब्बारा है, आप उस गुब्बारे में पानी भर दिए हो और उस गुब्बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को आप अंदर डाल दिए हो, तो जो गुब्बारे के अंदर जो पानी होगा ना वही क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। ये जो कोशिका द्रव्य होता है काफी ज्यादा गाढ़ा होता है ना, काफी ज्यादा गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है ना। इस कोशिका द्रव्य में काफी सारे कंपोनेंट जो है वो तैरते रहते हैं। और एक चीज और, यहाँ पर आप बीच में जो न्यूक्लियस देख रहे हो, केंद्रक देख रहे हो, उसके अंदर भी वाटर भरा होता है। यहाँ पर आप जो बड़ा सा देख रहे हो ना गोला, इसके अंदर भी जो है वो वाटर भरा होता है। और कोशिका के अंदर जो वाटर होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर होता है, इन सभी को मिला करके क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म अलग है और साइटोप्लाज्म अलग है। साइटोप्लाज्म मतलब जो सेल के अंदर जो लिक्विड है, न्यूक्लियस को हटा करके, न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर्स को हटा करके, ये पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। अगर प्रोटोप्लाज्म का कभी वर्ड आप लोग सुनोगे तो प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, पूरा केंद्रक के अंदर का भी जो लिक्विड है और सेल के अंदर का भी लिक्विड पूरा मिला करके जो है वो इसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। डिफरेंस दोनों में समझ में आया आप लोगों को? तो चलिए, साइटोप्लाज्म ये सब क्या क्या चीजें है ना, उसको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करते जाती हूँ, है ना। और उसका थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम भी दिखाते जाऊंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर राइबोसोम हो गया, इसका मैं थोड़ा सा अलग डायग्राम भी दिखाते जाऊंगी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हो बीच में है हमारा न्यूक्लियस, केंद्रक, केंद्रक के चारों ओर देखिए कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आप लोगों को, जो केंद्रक को चारों ओर से घेर करके रखे हुए हैं, है ना। ये पूरा क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है ना। तो चलिए, ये तो आप लोग समझ गए, मैं थोड़ा सा इसके डायग्राम को थोड़ा सा और भी डिटेल में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और अच्छे से देख सकते हो आप लोग, मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं। हाँ, काफ़ी अच्छे से दिख रहा है। तो बीच में हम लोग देख लीजिए, ये हमारा केंद्रक है, न्यूक्लियस है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और मैंने क्या बताया था, केंद्रक के चारों ओर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो होता क्या है। एक प्रकार से ये ट्यूब होता है, एक प्रकार से ये पाइप होता है, एक प्रकार से नली होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, दिखा आप लोगों को, ये डबल वॉल मतलब दोहरी लेयर से जो है वो बना रहता है और बीच में जो है वो कुछ हिस्सा गैप रहता है, एक प्रकार से ये नली के समान होता है। और कुछ ऐसे इनकी जो है वो स्ट्रक्चर होती है, एक दूसरे से ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ये क्या कहलाता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब सवाल ये है कि आखिर यहाँ पर आप लोगों को कुछ राउंड राउंड और दिख रहे हैं, ये गोल गोल और दिख रहे हैं ना, आखिर ये क्या है। ये जो है वो राइबोसोम कहलाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है वो स्थित होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो राइबोसोम जो है वो चिपके रहेंगे। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उनमें चिपके रहते हैं, लेकिन कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं ना जिनमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देखिए, अगर ऐसा ईआर या फिर ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हो, उसे हम लोग कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ है ना, रफ ईआर, शॉर्टकट में रफ ईआर। और ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आप देख रहे हो, कुछ इस प्रकार का भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम लोग कहते हैं। आगे समझ में आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दोहरी स्तर से बनी हुई एक नलिका होती है, एक ट्यूब होती है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, किसी में प्रेजेंट होते हैं, किसी में प्रेजेंट नहीं होते हैं। जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, जिसमें प्रेजेंट नहीं होते उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब सेकेंड सवाल मन में ये आता है कि आखिर इसका काम क्या होता है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, मतलब जो उपापचयी क्रियाएँ होती हैं ना, उनमें ईआर जो है वो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ एस्टेरॉइड होते हैं, उनका भी सिंथेसिस करते हैं। तो ये सब काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे गई समझ में आप लोगों को? चलिए, अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता देती हूँ।
ये तो हम लोग को समझ में आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए और भी हम चीजों को देख लेते हैं, उसके बारे में अच्छे समझ गए। इसी से रिलेटेड जो राइबोसोम है उसके बारे में भी मैं यहीं पर बता देती हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसमें काफी सारे छोटे 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 कण पाए जाते हैं। देखिए इसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम कहा जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास दिखाई देते हैं। सूक्ष्मदर्शी में माइक्रोस्कोप में जब इसे देखा गया तो देखा गया कि ये जो छोटे छोटे कण के समान होते हैं, अपारदर्शी कण होते हैं, जो कि इस तरह से राइबोसोम में जो है वो चिपके रहते हैं या फिर इनके पास में जो है वो इस तरीके से राउंड राउंड स्थित होते हैं। अब आखिर ये राइबोसोम होते क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो राइबोसोम होते हैं ना वो 40-50% तक इसमें आरएनए से बना होता है, इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है। अगर आप लोग थर्ड ईयर में ना जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें आप लोग देखोगे कि कैसे जो राइबोसोम है उनमें जो है वो आरएनए प्रेजेंट है। पहला तो ये 40-50% तक आरएनए से बना होता है, प्लस इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है ना। ये प्रोटीन और आरएनए से मिल करके बने होते हैं, कौन, राइबोसोम। इनका मेन काम क्या होता है राइबोसोम का, ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। हमारे शरीर में देखना प्रोटीन कितना हेल्प करता है मसल गेन करने में, प्रोटीन, तो प्रोटीन को बनाता कौन है, ये राइबोसोम ही बनाते हैं। राइबोसोम में ही जो प्रोटीन होते हैं ना उनका सिंथेसिस होता है, उनका संश्लेषण होता है ना। और माइक्रोस्कोप से देखने पर बहुत छोटे छोटे स्मॉल कण के रूप में साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं और वो ज़्यादातर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही जो है वो स्थित होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को राइबोसोम। चलिए आगे हम लोग सब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी पावर हाउस क्यों कहते हैं। यहाँ पर आप इसके स्ट्रक्चर संरचना देख सकते हो, साइटोप्लाज्म में ये हजारों की संख्या में, जी हाँ इसकी संख्या 4-5 हजार तक हो सकती है। थोड़ा सा डिटेल में देखिए डायग्राम को, कुछ इस तरीके से अंडाकार होती है और इनमें धागे के समान जो है वो ऐसा संरचना पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से धागे के समान जो है वो इनके अंदर में जो है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए डीएनए प्रेजेंट होते हैं किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये जो डीएनए होते हैं ना इनका खुद का डीएनए होता है, जिसे हम ओन डीएनए कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। आप यहाँ पर देख सकते हो राइबोसोम भी प्रेजेंट है, जी हाँ, जो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है ना गाइस वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होता है। मैं मानती हूँ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम होते हैं जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया, बट जो 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में भी होता है। आप यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हो, ये जो डीएनए का होता है आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है, अंदर का जो भाग होता है ये वाला हिस्सा ये इनका मैट्रिक्स कहलाता है और इनमें इनर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। तो ये होता है गाइस माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप लोगों ने शुरू से पढ़ते आ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना। तो आखिर इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए हम जो भी खाते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन है, मतलब जो ऑक्सीकरण की क्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। जब तक हम कुछ खाएंगे, जब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा तब तक हमको एनर्जी कैसे मिलेगा। देखिए हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हमको आगे चल करके ऊर्जा मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो जो एनर्जी जो जनरेट हो रहा है, एनर्जी जो उत्पन्न हो रहा है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। मतलब जो भी ग्लूकोज है, फ्लूड है, फूड है, जो भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि हमें यहीं से ही क्या मिलता है, पावर हाउस में पावर मिलता है, एनर्जी मिलता है। हम कुछ किसी काम को तभी कर पाते हैं ना जब हमें एनर्जी मिले। तो एनर्जी जनरेट करने के कारण इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। देख लेते हैं गोल्गी का है, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्गी एपरेटस, जिसे हम लोग कहते हैं गोल्गी बॉडी। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की संरचना आप देख सकते हो डायग्राम में। ये क्या कहलाता है, आपका गोल्गी बॉडी कहलाता है। चलिए मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। पोजीशन की मैं बात करूँ तो न्यूक्लियस के पास ही स्थित होता है, सेंट्रोसोम के पास ही जो गोल्गी बॉडी है वो प्रेजेंट होता है ना। थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ गोल्गी बॉडी का। क्लियर हुआ आप लोगों को, देखिए कुछ नली के समान होता है, देखिए यहाँ पर कुछ ट्यूब के समान इनकी जो है वो संरचना होती है। और ये जो ट्यूब होते हैं ना उनके अंदर आखिर क्या भरा होता है, इनके अंदर जो है वो लिपिड्स भरा होता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स जो है वो ये वसा फैट वगैरह इसमें भरा रहता है। इसी कारण इसे जो है वो लाइपोवेट, मैं नाम भूल गई हूँ,
इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो आपका गॉल्गी बॉडी है ना उसमें काफी सारे लिपिड्स भरे होते हैं, है ना, इनके जो ट्यूब्स होती हैं इनमें लिपिड्स भरे होते हैं, इसलिए इसे लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इसे गॉल्गी बॉडी ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है कैमिलो गॉल्गी, जो कि इटली के न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस गॉल्गी बॉडी को देखा जो कि केंद्रक के पास जो है वो स्थित है, तो उन्होंने अपने नाम के आधार पर ही इसका नाम क्या रख दिया, गॉल्गी बॉडी रख दिया। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है सिक्रेशन करना, कुछ कुछ पदार्थों को ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते रहते हैं ना, तो ये जो गॉल्गी बॉडी होते हैं ना ज्यादातर जो सेक्रेटरी सेल होते हैं ना, मतलब जो सेक्रेटरी कोशिका होती है वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं, कौन, गॉल्गी बॉडी। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को गॉल्गी बॉडी। चलिए अब हम लोग और भी डायग्राम देख लेते हैं। मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ लाइसोसोम के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइसोसोम, आई होप आप लोगों को क्लियर शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए साइटोप्लाज्म में ना एक राउंड राउंड टाइप से भी स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है। आखिर ये लाइसोसोम होते क्या है, इनका साइज कैसा होता है, बहुत छोटे से साइज के होते हैं, 0.2 म्यू से लेकर के 0.8 म्यू तक इनका जो है वो साइज होता है। इनमें जो है वो पाचक एंजाइम भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं, काफ़ी सारे एंजाइम भरे होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन आदि के डाइजेशन के लिए जो है वो ये हेल्प करते हैं। इनका एक और काम ये भी होता है कि अगर सेल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रवेश कर लिए तो उनको जो है वो किल करने का काम, उनके भक्षण करने का काम भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है ना। तो आप इसका पोजिशन देख लीजिए, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, बिल्कुल राउंड राउंड होते हैं, कौन, लाइसोसोम। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखें सेंट्रियोल जिसे कहा जाता है, सेंट्रोसोम दिखा आप लोगों को एक बंडल के समान, रॉड का जो बंडल होता है ना उसके समान आप लोगों को दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये बिल्कुल केंद्रक के पास ही, जो हमारा न्यूक्लियस है ना उसी के पास ही जो सेंट्रोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है। इनका मेन काम क्या होता है, इनका मेन काम होता है सेल डिवीजन में, जब कोशिका विभाजन की क्रिया होती है ना, सेल डिवीजन की क्रिया होती है, तो उस समय ये जो आपका सेंट्रोसोम है उनका काफी ज्यादा योगदान होता है। आ गई समझ में आप लोगों को। चलिए एक और बता देती हूँ, कुछ कुछ सेल ऐसे होते हैं ना जिनमें सिलिया और फ्लैजिला भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कोशिका का पूंछ भी कहते हैं, है ना। तो देखिए दो टाइप का इसमें पाया जाता है। सबसे पहला तो यहाँ पर आप देख सकते हो छोटे छोटे धागे के समान ये निकला हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है, सिलिया कहा जाता है, दिखा आप लोगों को। इसके अलावा, सीलिया के अलावा भी एक और संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैजिला, जो फ्लैजिला होता है ना थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा मोटा होता है, वो वाला जो बड़ी संरचना होती है वो फ्लैजिला कहलाएगा, और जो छोटी संरचना होता है वो सीलिया कहलाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे समझ आया। तो क्या क्या हो गया हम लोग का, सेल मेम्ब्रेन भी हो गया, अब बचा है माइक्रोट्यूबुल। यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट। तो देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुछ समय पहले ही साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि जो सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं ना उसमें पतली पतली नलिका के समान भी ऐसा फिलामेंट पाए जाते हैं, फिर ट्यूब्यूल पाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका यूज क्या है वो ज्यादातर अभी ज्ञात नहीं किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इसे माइक्रोस्कोप में देखा है और इसे माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो नाम दे दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया गाइस आप लोगों को। हम लोग देख लेते हैं केंद्रक जिसे कहा जाता है, न्यूक्लियस। यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें एक बड़े से गोल की आकृति पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। चलिए मैं आप लोगों को इसे थोड़े से अच्छे से डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप जो न्यूक्लियस देख रहे हो ना वो एक मेम्ब्रेन से कवर रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हो येलो कलर का, ये दोहरी मेम्ब्रेन से ढका होता है जो कि लिपिड प्रोटीन वगैरह से मिलकर के बना होता है, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करते हैं, है ना, कवर आकृति प्रदान करने का काम करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियस जो है वो राउंड है, लेकिन जरूरी नहीं है हर सेल में ये राउंड ही रहे, किसी में अंडाकार होता है, किसी में अलग अलग शेप का होता है, डिपेंड करता है कि उनका सेल किस आकृति का है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगला आप देख रहे हो न्यूक्लियोप्लाज्मा, देखें न्यूक्लियोप्लाज्मा, न्यूक्लियो जैसे हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड भरा था ना, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाता है, है ना। इसमें काफी सारे प्रोटीन वोटीन बहुत सारी चीजें इसमें न्यूक्लियोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। अगला है यहाँ पर देखिए केंद्रिका, जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस,
इसमें केंद्रक के बीच में एक और छोटी सी चीज पाई जाती है जिसे कहा जाता है केंद्रिका। ये जो केंद्रिका है उनमें ज्यादातर आरएनए प्रेजेंट होता है, ज्यादातर फैट प्रोटीन ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इस केंद्रिका के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए प्रेजेंट नहीं होता है। जो डीएनए होता है ना वो यहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है वो प्रेजेंट होता है डीएनए, जिसे क्रोमेटिन यहाँ पर देख सकते हो धागे के समान संरचना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये न्यूक्लियस का मेन काम क्या होता है, इसमें जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हो गया डीएनए आरएनए, ये सब क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हम अपने मम्मी पापा के टाइप कैसे क्यों दिखते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल के कारण है ना। उनका डीएनए आरएनए हमारे डीएनए आरएनए से मैच करता है, क्योंकि हम उनके डॉटर या फिर सन है। तो इस वजह से जो भी जेनेटिक मटेरियल है उनका ट्रांसफर इन न्यूक्लियस के द्वारा जो है वो किया जाता है। वैसे इसके बारे में और भी डिटेल में मैं आप लोगों को नोट्स में दे दूंगी, बट उससे पहले लास्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कोशिका होती है, अभी तक तो आप लोगों ने एनिमल सेल के बारे में देखा, तो जो कोशिका होती है वो कितने टाइप के होते हैं, टाइप के क्या क्या होते हैं वो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 2-3 मिनट लगेगा आप लोगों को समझने में, फिर मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स इसका दे दूंगी। यहाँ पर हम लोग सेल के टाइप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। आई होप आप लोगों को डायग्राम क्लियर शो हो रहे होंगे, एंड आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आईएसओ को थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि क्लियर दिखे डायग्राम, है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बारी आते हैं ये क्वेश्चन कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आखिर ये क्या होता है, देखिए गाइस कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अगर हम अपने शरीर की बात करें या फिर किसी जीव जंतु की बात करें तो हम में जो है वो यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, जो अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोग को जो सेल के बारे में बताया ना, जिनमें हर एक चीज प्रेजेंट था, जिसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडी, हर एक चीज प्रेजेंट था। लेकिन कुछ सेल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक भी होते हैं। आखिर किसमें पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है ना, नीली हरी सहवाल, तो कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जिनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है प्रोकैरियोटिक सेल में कि इनमें जो है वो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे कि हमारे जो कोशिका है यूकैरियोटिक में स्पष्ट रूप से गोल सा बड़ा सा यहाँ से यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, जो हमारा केंद्रक है वो पाया जाता है, और जो भी डीएनए है आरएनए है मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित रहता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना उनमें ऐसा कोई भी न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट नहीं होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो इनके साइटोप्लाज्म में ही क्या रहते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो प्लाज्मिड प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होते, केवल जो पौधे होते हैं ना प्लांट्स उसी में प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। अब जो डीएनए वगैरह है आरएनए वगैरह है वो पूरा साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं, लेकिन हमारे सेल में क्या होता है, जो डीएनए आरएनए है वो विशेष टाइप का जो केंद्रक होता है उसी में प्रेजेंट होता है। इनमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन, बाकी जो और जो कुछ चीजें हैं ना वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। आप इस डायग्राम को देख करके एक अंदाजा लगा सकते हो कि क्या प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट नहीं है। वैसे मैंने डायग्राम में भी अच्छे से मैंने नोट्स में भी अच्छे से आप लोगों को अंतर इस पर जो डिफरेंस बिटवीन होता है वो मैंने करके बताया हुआ है। देखो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले तो आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक सेल का और यूकैरियोटिक सेल का। उसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि किसमें क्या प्रेजेंट है, किसमें क्या प्रेजेंट नहीं है। चलिए आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़ना। तो यहाँ पर आप नोट्स देख सकते हो, सेल बायोलॉजी का हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप सेल बायोलॉजी के और भी टॉपिक देखना चाहते हो तो चैनल के साथ जरूर जुड़े, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें, बीएससी फर्स्ट ईयर के बहुत सारे वीडियो बीएससी जूलॉजी के आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड डायग्राम का भी मैं लास्ट में दे दूंगी, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना क्या क्या डायग्राम आपको बनाना है क्या नहीं बनाना है। एंड आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आज का वीडियो मुझे आपको कैसा लगा, नोट समझ आया कि नहीं आया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सेल बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जो कि आप लोगों को सेल बायोलॉजी के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल में एक बार चेक जरूर करना, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।